नारे लगाए जा रहे थे, जब बीजेपी वालों को और कुछ नहीं मिलता तो नारे लगाते हैं भारत माता की। इसके सिवाय नारा नहीं है इनके पास, और कोई भी के साथ सुर में सुर ना मिला है। मैं तो वीडियो में देख रहा था, तू पाकिस्तानी भाई संभल के रहना, चुनाव खत्म होते होते शायद आते आजमपुर को पाकिस्तानी बन के बैठना। आपको देखना है आपकी लड़ाई कौन लड़ लेगा। कल पर्ची लेके जाओगे विधायक बन की कोई काम कराने के लिए तो कह देगी तू तो पाकिस्तानी था, नारे नहीं लगा रहा। कह सकती है नहीं कह सकती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। आज आपके पास मौका सुनहरा है। लोग जहां विधायक से परेशान है भाई, दूसरी ओर पर भारतीय जनता पार्टी को फाड़ फेंकना चाहते और ताकत वो चाबी उस चंडीगढ़ के बंद ताले की वो आज आपके हाथ में। मैं तो विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि उस बंद ताले को खोलने का काम करो। और जहां भारत संबंध की बात है, बड़े प्रयास करे जाएंगे। गांव में कर लो हमारी भांजी है, भांजी है, करे जा रहे हैं नहीं जा रहे, पूछन का काम करो। भांजी के भाइयों ने क्यों सरकारी कॉलेज की जमीन पे कब्जा कर रखा है, करावा है नहीं करावा है, सारे प्रदेश को पता है। मुख्यमंत्री खुद आया, मुख्यमंत्री उस जमीन को रिहा नहीं करा पाया क्योंकि इन लोगों के खुद के सेल्फ इंटरेस्ट आ जाते हैं, अपने आप की लालच आ जाती है। साथियों आज वहां कॉलेज बन जाता बाल समझ के अंदर तो कितनी भारी छोड़ी उस कॉलेज में जाने लग जाए। शिक्षा के स्तर में कहीं ना कहीं अपना पिछड़ा इलाका भी आगे बढ़ जाता। ये वादा मैं करता हूँ, जो भी कब्जा धारक है बता दो। अब तो 15 दिन सारे रह गए, 24 तारीख को 20वें दिन बाद जब रिजल्ट आएगा, राज्य प्रदेश में बनेगा तो जमीन भी खाली कराएंगे और कॉलेज भी वहीं बनाएंगे। साथियों अब समय बहुत आपके अनुकूल। बीजेपी वालों की घबराहट बताओ कैसे दिखती है। अनिल जैन आया था और चौड़ा फार्म भरवाने प्रेमलता जी, कहने लगे दुष्यंत तो बांदर है, आग लगाता घूम रहा है। बांदर तो हनुमान जी का रूप है, मानो नहीं मानो सारे, अगर मैं एक बांदर हूं इतने बांदर और इकट्ठे हो गए, बांदर सेना तो तैयार है। बांदर सेना ने तो इस बीजेपी की लंका को गिराने के लिए अब राम सेतु अगले 14 दिन में बनाना है, और 14 दिन में 46 विधायक लेके जब चंडीगढ़ जाएंगे तो इस बीजेपी की लंका को इस प्रदेश से बाहर। मेरी विनती प्रार्थना है भूलना मत, 5 साल में इन लोगों ने प्रदेश में क्या क्या किया, एड लगाई सरकारी प्रचार में, कितना भ्रष्टाचार इनके था, क्या एडवर्टाइजमेंट चलती थी, ना पर्ची ना खर्ची। साथियों 1 करोड़ रुपए में जुडिशरी का पेपर बिकता हुआ अंबाला में पकड़ा गया, आज इनके सीटिंग जजों के रजिस्ट्रारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर रहा। इनकी सरकार के अंदर नायब तहसीलदार का पेपर 2.5 लाख में बिकता हुआ पकड़ा गया, आज रिवाड़ी की जेल में लोग बंद है। साथियों गुड़गांव निगम की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कहती है 120 पन्नों में कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब भी गुड़गांव निगम में कोई कर्मचारी कच्चे तौर पर भी लगा तो मंत्री संतरी की आईएएस की एमएलए की सिफारिश के बाद उसको भर्ती मिली। आप ये सोचो जो पर्ची खर्चे की बात करते हैं, उनको भी ईमानदारी के लिए पैसा लगाना पड़ता है, हैरानी की बात नहीं, अभी ईमानदार बनने के लिए भी सरकारी खर्चे पर पैसा चलाना पड़ा। अगर कोई बेईमानी करता और ईमानदारी का ढोल पीटता तब तो मानते भी इसको ढोल पीटना पड़ रहा है, मगर ये तो पहले लोग देखे जो ईमानदार बनने के लिए भी सरकारी पैसे का इन्हें ढोल पीटा। और आप देख लेना टीवी पे आज से या कल से फिर चलने लग जाएगा ईमानदार सरकार। ईमानदार सरकार नहीं है, 5,000 करोड़ रुपए का तो ओवरलोडिंग घोटाला हुआ है भिवाड़ी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर खदानों। 1,000 करोड़ रुपए का ये रोडवेज की बसें घूमती है, प्राइवेट बसें लाकर किलोमीटर स्कीम घोटाला इनकी सरकार में है। साथियों 100 करोड़ रुपए के बिजली के मीटर जो दुकानों के बाहर लगा रखे
घरों के बाहर लगा रखे हैं। इसका घोटाला आया आज SCS XCL, इसके अंदर चार सीटेड है, 24 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति जो शेड्यूल कास्ट बच्चों की, SC बच्चों की थी, उनकी छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया। इनकी खुद की विजिलेंस की टीम की रिपोर्ट, मुझे यह तो बता दो कहां से ईमानदार सरकार। आज तो किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, मैंने एक चीज बताओ आपने नरमो आगे तो किसी नर में ये बाहर में दुगनों को दिखे, सरसों आई बाजरो आयो, ये हालात अभी मैं भुन्ना जा गया है और जीरी आला रोड लाग रहा है, अजी मंडी में जीरी पड़ी है, खरीदे को नहीं सरकार। किसान की आय दुगनी नहीं कर पाए, DAP का रेट 200 रुपए नई सरकार बढ़ते ही बढ़ा दी, और तो और आय दुगनी हुई, किसकी हुई, आज इनकी सरकार में आय दुगनी हुई तो इनके वित्त मंत्री की, आय 5 गुना हुई जो कुर्ते उतार उतार के नाचा करता था भी किसान की मौज कर दी, MSP बढ़ा दिया। इनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर ओम प्रकाश धनखड़, आप उसका एफिडेविट उठा के देखो 14 का 19 का रिकॉर्ड पे है, किसान की एग्रीकल्चर मिनिस्टर आय दुगनी नहीं कर पाया मगर अपनी खुद की 5 गुना करने का काम कर दिया। साथियों ये फॉर्मूला तो पता करो कि 5-5 गुना इनकम बढ़ती कैसे है एक आदमी। आज जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा उनको जवाब देने का मौका, इस मौके को ना छूटो। और मैं तो इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ राज बनेगा तो किसान और कमेरे को ताकत देंगे। अब निवेदन आपसे है कि अगले 14 दिन घर घर जाकर अपनी घोषणाओं का प्रचार करो, चाहे वो रोजगार के अंदर, ये मेरे भाई बहन खड़े, इनके हिस्से की 75% नौकरियों में इनका हिस्सा बनाने की बात हो। आज गुड़गांव में साथियों 17 लाख नौकरी है, हमारे हिस्से में 3.5 लाख मिली। आज 75% जब हिस्सेदारी आपकी बढ़ेगी तो उस गुड़गांव में 14 लाख हिस्सा आपका होगा, 11 लाख रहे आप जैसे साथी। SP इलेक्ट्रिकल तो कैंसिल करी सरकार ने, आज उसमें 2 लगे थे भी तो 80 में से 60 आप जैसे साथी है। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है, यहाँ तो मैं नाना नानी बोल रही हूँ और हल्कों में तो दादा दादी बोलने पड़ते, आजमपुर आगे नोड़ा बच जाता है, तो यहाँ तो मेरे नाना नानी बैठे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ। आज के दिन बुढ़ापा पेंशन है 2000 और उम्र में मिलती है 60 की। ये फैसला हमने लिया था पार्टी के निर्माण में और चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर मिलकर, कि जहां मेरे नाने को तो 60 साल नहीं, जब कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है तो 58 साल की उम्र में, और मेरी नानी को क्योंकि घर बैठकर काम करती है घर संभालती है 55 साल की उम्र के अंदर, और बैंक जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे 5100 रुपए पेंशन। जब मेरे नाना नानी की 5100 आएगी तो 10200 होगी नहीं होगी, तो बादशाह तो वैसे ही भर जाएगा। यहाँ पीने के पानी की समस्या अपने 20 गांव आजमपुर के और 20 नलवार पूरी तौर पर परेशान, यहाँ नहरी पानी की व्यवस्था बनाना हमारा पहला उद्देश्य होगा, हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचे। ये मटके ले जाने टैंकर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीने के पानी के लिए हर गांव में बड़ा कमर्शियल RO लगाया जाएगा जो मुफ्त पीने का पानी हर व्यक्ति के घर तक घर रोज पहुंचाने का काम करेगा। साथियों कैंसर जैसी पीढ़ी जैसी बीमारी आज पीने के पानी की वजह से, जहर जो नशे के तौर पर हमारे बीच में बट रहा है इसकी वजह से घर घर तक पहुंच चुकी। ये आपके संगठन का निर्णय है कि पूरी तौर पर प्रदेश के अंदर कोई भी मरीज गरीब घर का होगा जिसके कैंसर या काढ़ा पीलिया जैसी जानलेवा बीमारी है, उसका खर्च फिर किसी MP से MLA से 25 साइन करा के चेक नहीं लेना पड़ेगा, 3-3, 2-2 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर उसके जानलेवा बीमारी है तो उसका खर्च पूरा आपकी सरकार उठाने का काम करेगी। यहाँ कर्ज मुक्ति की बात, मंडी में आके कह तो जाते कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा, अमर गहले किसान किसान की भले की सोची जाती है। हमने ये निर्णय लिया था किसान ने, जब राज बनेगा
तो कमरे वर्कर, कमरे का मतलब है चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे वो कोई दूधिया हो, चाहे कोई रेड़ी चलाने वाला हो, अगर आज सरकारी तौर पर उसके ऊपर कर्जा है तो पूरी तौर पर आपकी पार्टी उसको माफ कराने का अधिकार है। 16 घोषणा है, मैं 16 की 16 पढ़ने लग जाऊंगा तो फिर जमाल वाले बैठे रह जाएंगे। मेरी तो विनती है, टीम बनाकर, अपने पास आज 13 दिन, टीम बनाकर 13 दिन के अंदर एक 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 घर तक पहुंचकर चाबी पहुंचाओ और रमेश सुधारा जी को ऐतिहासिक स्वरूप पर एक बार खास तौर पर कह दू मामू लागे, मगर फिर भी आज डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी यहाँ नहीं, डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी का रूप समझ कर आजमपुर हल्का पड़ेगी। एक एक साथी जो सीनियर बैठा है, मेरा तो नम्र निवेदन सबसे है, ये चुनाव इनका नहीं है, ये सोच लेना दूसरे तो डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी आजमपुर से चुनाव लड़ते हैं। हमें इतनी मेहनत करनी है कि हम इस सीट को ऐतिहासिक तौर पर जीतने का काम करें। और डरिए ना, ये टीवी कलाकार और ये आते रहेंगे, इनके पास पैसा है, दोनों के पास, इनके पास टीवी की चैनलों की शक्ति है कि भाई हमारे खड़े चैनल वाले ये लाइव तो दिखा देंगे, मगर रिकॉर्डिंग के बाद जब ऑफिस में भेजेंगे तो इनके भी कैंची चल जाती है। ये मनी पावर और मीडिया पावर के आगे हमारी जैसे संगठन के पास तो एक चीज है, वो मैन पावर है, कार्यकर्ताओं की आपकी शक्ति है जो इस प्रदेश में राज बीजेपी की बात है, ये 75 पार की बात कर रहे हैं। मैं तो एक चीज जरूर आपको बोल सकता हूँ, 75 तो इनके गिनने में भी सीटें हाथ में नहीं, ये तो एक नारा बना दिया 75 पार। थोड़ा सा जोर लगा दो, अपने तो राजस्थान बॉर्डर है नहीं है, थोड़ा सा 14 दिन जोर लगा दो, ये अब की बार 75 पार बोलन, ये जब 24 तारीख को मशीन टी 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 करेगी धोती पकड़ के बॉर्डर पार करते हुए लगाओगे जोर नहीं लगाओगे, छोड़ जाओ आपके भरोसे पर, डट के मेहनत करनी पड़ेगी, कमर कस के गोटे घिसाने पड़ेंगे। तो साहब सब आए, आप सब ने इतना इंतजार, मान सम्मान हमेशा